ये हमने लिया है दिल भैंस का टिक्के बनाने के लिए, ये घर पे आनी थी, इस तरह से तैयार करेंगे। अभी हमने कोयले सुलगाए थे, वो मैं दिखाना भूल गया मगर बता देता हूँ, यहाँ ऐसे कागज़ रखे थे हमने और कुछ कोयले गैस पे गर्म कर लिए थे, लाल कर लिए थे, फिर उनके ऊपर लाल कोयले नीचे रख दिए थे, फिर सारे कोयले से उसे ढक दिया था, फिर हवा से इससे झलते रहे हम हल्की आँच से, तो फिर ये आग में इस तरह से हो गया। अभी हमें इसके टिक्के बना रहे हैं, ईद के टाइम पे सबसे बढ़िया तरीका है ये, और मैं दूसरे और दिखाता हूँ कैसे फिर होते हैं। भाई तुम बगल में बना ऐसे यार, कोई बात नहीं, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा टाइम लग गया देखने। अरे कोई तो पकड़ लो कैमरा, अब मेरे को मत दिखाई, वैसे ही दिखा दी। देखो भाई बकरीद पे भट्टी देखो कैसे घर पे बनाई जाती है, ये बनाने का तरीका ही बता देंगे, भट्टी घर पे कैसे बनती है। अरे भट्टी ही कह रहा हूँ भाई, इसको बोलते हैं अंगीठी। ये इस तरह से पिरो सकते हैं, चार चार पांच पांच गोटी एक एक सीख में, तो ये टिक्के की तरह ऐसे तैयार हो जाएंगे। एक और लगाएंगे तुम्हें, ठीक है। अभी सीखने के बाद आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं। बहुत ऊँची कर रखी है, देखो कैसी खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। बकराईद पे सबसे बढ़िया तरीका है, चाहो तो गोश्त का भी बना सकते हो, हम उसका तरीका भी बना रहे हैं। बस अभी गोश्त का कुकर पे हमने रख दिया गोश्त को उबालने के लिए, ताकि वो गलने में आसानी हो, क्योंकि दिल जो होता है कलेजी वो जल्दी गल जाती है, उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, मगर गोश्त जो होता है उसे टाइम लगता है, इसलिए उसे थोड़ा सा उबाल लें कुकर पे, फिर उसके बाद मसाले बता देंगे हम कौन कौन से। फिलहाल तुम्हें डायरेक्ट दिखा रहे हैं कैसे बनेगा ये, अपना बकराईद का इन्जॉय करें। 2021 की बकराईद मुबारक हो भाई, और अच्छे से ज़रा हम और बढ़िया वीडियो बनाएंगे अगली बार, ये पहली बार का ट्रायल है हमारा, पसंद आए तो लाइक करना। अभी इसको भूनने के बाद देखते हैं, और ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी बीच बीच में से, ताकि ये मसाला इसका सूख करे। घूमती रहेगी, देखो कैसा रंग आ रहा है इस पर, ये देखिए ज़रा क्या निकल आ गया है। ये टिक्के तैयार हो गए हमारे, ये कैसा स्वादिष्ट हो रहा है, खा के दिखाओ। प्याज कहाँ है, कैसा स्वाद है, अम्मी को टेस्ट कराओ। मसाला देखो जी, हमारे टिक्के हैं दिल्ली छः के मशहूर टिक्के, चाट मसाला बन कर दिया था मैं।